फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आपने देखी कि आपने देखा कि मैंने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे डाले हैं, तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैं बचत की वीडियो वापस बनाऊं। मैंने बहुत सी वीडियो बना दी हैं बचत की और बहुत पसंद भी किए हैं आप लोगों ने। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि मैं बचत की वीडियो और बनाऊं। तो बस अभी पूजा ऊजा से निवृत्त हुई, बजरंग धोरे भी जाकर आए हम हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज शनिवार है, तो वहां पर भी आज जल्दी जाकर आ गए थे। बहू का एग्जाम था तो उसे जाना था कॉलेज, तो हमने सोचा कि हम लोग पहले मंदिर जाके आते हैं। तो हम लोग मंदिर जाके आए। यहाँ सड़क में आवाजें बहुत आती हैं। सबसे पीछे वाले कमरे में बैठती हूँ, फिर भी बहुत ज्यादा आवाजें मोटरसाइकिल वगैरह की आती हैं। तो मैं कह रही थी कि मैंने पूजा उजा की भगवान के नाम लिए और कुछ भगवान के नाम लिखना भी शुरू किया है, जैसे श्री राम में कॉपी में लिखना मैंने शुरू किया है। तो बहुत से टाइम मैं देख रही हूँ बहुत से टाइम से कि बहुत टाइम हो जाता है हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाते हैं। बस हर बार सोचते हैं कल ले लेंगे कल ले लेंगे। तो ये चीज़ भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भगवान के नाम को कल पर ना छोड़ें। जब भी आपको टाइम मिले, और टाइम ना भी मिले, तो पहले आप भगवान के नाम लेने के लिए टाइम निकालें। और मैंने तो कॉपी में श्री राम लिखना शुरू किया है कल से। कल शुक्रवार था तो कल से मैंने शुरू किया, आज शनिवार है तो दो पेज लिख चुकी हूँ मैं। और हनुमान चालीसा मैं करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। बीच में थोड़ा नियम टूट जाता है, बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो फिर उनमें बैठ जाती हूँ बातों में। तो बस भगवान की पूजा करके और मंदिर जाके और उसके बाद भगवान के नाम कॉपी में लिख के हनुमान चालीसा करके, और फिर मैंने बचत के लिए जो पैसे, अभी संक्रांति आई थी तो उसमें जो छुटमुट पैसे आते हैं, छबड़ी में भी आते हैं तो साड़ी के साथ भी आते हैं, तो कुछ ऐसे जो सुहाग पिटारी होती है उनमें भी आते हैं, तो कुछ जो पैसे आते हैं उन पैसों को मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ जो आपको मैंने अभी दिखाई। तो इस तरह से आपकी बचत हो जाती है, आप अपने पैसे को रखें। हमेशा मैं क्या करती थी कि जो भी पैसे मेरे पियर से आया करते थे उनको मैं खर्च कर देती थी। तो मेरे भैया ने बोला कि जितने पैसे आते हैं उनको अपने लिए खर्च किया करो या उसकी बचत करो, घर में ही मिला देती हो तो फिर वो खर्च हो जाते हैं। और ज़्यादातर गृहणियाँ घर में ही मिला देती हैं उस पैसों को, और उन पैसों को अपने काम नहीं ले पाती हैं, बहुत सी होती हैं। मैंने भी यही किया जीवन भर के, जो भी पैसे मेरे आए पियर से आए चाहे कहीं से भी मुझे मिले, मैंने उनको घर में मिला दिया और फिर मुझे पता ही नहीं लगा कि वो पैसे कहाँ खर्च हो गए। तो मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि जो भी आपका पैसा मिलता है आपको, कोशिश करें दिल पक्का करके और उन्हें किसी भी गुल्लक में डाल दें। चाहे तो आप किसी भी डब्बे की गुल्लक बना लें, ऐसे पाउडर के डब्बे वगैरह होते हैं उनमें आप एक खड्डा कर लीजिए, उसकी गुल्लक बना लीजिए। कोई भी डब्बे की गुल्लक, जो भी आपको अच्छा सा सुंदर सा डब्बा लगा उसकी गुल्लक बना लें, और उसमें जो भी पैसा आपके पास बचे उस पैसे को आप गुल्लक में डाल दें। तो जैसे कि अभी मेरे पास सब्जी वाला एक आया था, हमारे घर में आता है सब्जी वाला, तो 50 रुपये थे मेरे पास जिसमें से 20 रुपये बच गए। 30 रुपये की सब्जी आई, टमाटर और मिर्ची बेचने आता है, गरीब सा है वो तो बेचने आता है, तो उससे ले लेते हैं, हम सोचते हैं इसकी कुछ सहायता होगी। तो 50 में से 20 रुपये मेरे पास बचे, वो 20 रुपये मैंने इस गुल्लक में डाल दिए। इसी तरह एक कॉपी में मैंने 100 रुपये पता नहीं कब के रख रखे थे, तो वो मुझे अभी दिखे, मैंने वो भी निकाल के डाल दिए। कुछ संक्रांति के पैसे आए वो भी निकाल के मैंने डाल दिए। तो इस तरह से आप बचत कर सकते हैं अपने पैसों की, उस पैसे को आप अपना बना लीजिए। यही एक औरत की कमाई है या यही एक औरत की बचत है। जो बचत औरत करती है उसे ही आप अपनी कमाई समझें। तो हमेशा जो भी पैसा आपका आए उसको आप बचा के रखें। और बाकी भी बचत मैंने आपको पहले भी बताई है कि कुछ सब्जियों में बचत कीजिए, तो कुछ अपनी साड़ी कपड़ों में बचत कीजिए। एकदम से मन को थोड़ा सा रोक लीजिए, कभी भी आप बाजार जाएं तो लिस्ट बनाकर जाएं। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब भी बाजार जाएं तो लिस्ट बनाकर जाएं,
जिससे कि आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। उलझलूल चीजें हम खरीद लेते हैं, जब भी किसी दुकान में किसी मॉल में हम जाते हैं तो हम बिना सोचे समझे ही चीज खरीद लेते हैं, तो वो नहीं खरीदनी है हमें, क्योंकि हमारे घर में बहुत सा सामान ऐसा होता है जो इकट्ठा हो जाता है, फालतू का सामान हम खरीद के ले आते हैं। तो हमेशा लिस्ट बनाकर जाएं और बाजार से वो ही चीजें लाएं जो आपको जरूरत हो। दिखने में तो बहुत सी चीजें दिखती हैं, जब भी हम किसी मॉल में दुकान में जाते हैं तो हमें लगता है ये ले लें, वो ले लें, वो ले लें, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। आप जरूरत की चीज लाएं और अपने पैसे बचाएं और सोच के जाएं कि आज मुझे 500 रुपये ही खर्चने हैं, तो 500 ही खर्चे, हाँ 10-20 जरूर आगे हो सकते हैं ऊपर के, लेके आप इतने ही खर्चे जितने आप सोच के जाए, नहीं तो आप 1000 रुपये भी खर्च सकती हैं, 1500 भी खर्च सकती हैं, तो 2000 भी खर्च सकती हैं। कोई लिमिट नहीं है औरत के खर्चों का, क्योंकि वो जब जाती है बाजार तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लेके आ जाती है जो जरूरत की भी नहीं होती है। सब्जियों में भी ये है, जो सब्जी आपके यहाँ पड़ी है वो आप ना खरीदें, उन्हें काम में लेती रहें। जो भी सब्जी जब तक खत्म ना हो तब तक, मेरा तो मानना ये कि जब तक सब्जियां खत्म नहीं हो ना लाएं आप घर में, क्योंकि वो सड़ जाती हैं। तो आप सब्जियों को जब तक ना बना लें पूरी तब तक खरीद के भी ना लाएं सब्जियों को, या घर में भी जो भी आपके पास सामान बच गया है या कोई खाना बच गया है आपके, तो उस खाने को भी आप यूज कर लें। बहुत सी औरतें होती हैं कि फ्रिज में रख देती हैं और फिर फ्रिज से वो चीज जाके गाय कोई डलेगी, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपने गाय को डाल दिया कोई बात नहीं बुरी नहीं, लेकिन आप इतना बनाएं नहीं कि आपको फ्रिज में रखना पड़े। आप ज्यादा से ज्यादा इतना खाना बनाएं कि आपको खत्म हो जाए वो खाना, नहीं तो फ्रिज में रखा रहेगा। हम रख देते हैं फ्रिज में लेकिन इसको यूज नहीं लेते हैं, यूज नहीं लेते हैं और फिर गाय को डालते हैं, तो वो हमारे एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो जहां तक हो सके उस खाने को, उस भोजन को काम में लें। दाल है तो दाल के पराठे बना लें, सब्जी है सब्जी के भी पराठे बन जाते हैं, या चावल है तो उनको फ्राई कर लें, कोई भी इडली बची है आपके तो इडली को भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन बनाए इतना ही कि बचे ही नहीं, खाना इतना बचे ही नहीं, और अगर बच जाता है तो उसे काम में लें, तो ये भी आपकी एक बचत होगी। और जैसे कि कोई पुरानी साड़ियां हैं या पुरानी बेडशीट हैं तो ठीक है हम जरूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन उनके भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बेड है हमारा, तो बेड के जो कवर होते हैं, बेड बिछाते हैं हम गद्दे वगैरह, जो गद्दे के कवर होते हैं वो साड़ियों के बन सकते हैं, बेडशीट के बन सकते हैं, तो उन पे पैसा बच सकता है आपका। हम खरीद लेते हैं, जैसे बाजार से खरीद लेते हैं गद्दों के कवर खरीद लिए, देखा देखी लोगों के, तो कई बेचने वाले आते हैं गलियों में सड़कों में, जो बेचने वाले आते हैं उनको देख के, हम पड़ोसियों को देख के भी हम कोई चीज खरीद लेते हैं, तो ये नहीं करें। आप अपनी समझदारी से आप पुरानी चीजों को काम लें, और पुरानी चीजों से आप बेड कवर भी बना सकती हैं, सोफा कवर भी बना सकती हैं, पुराने ही बेड सीट से आप उन चीजों को काम ले सकती हैं, साड़ियों को काम ले सकती हैं, साड़ियों की अच्छी जो साड़ियां हैं जो आपके मन से उतर गई उनके पर्दे बना सकती हैं। इस तरह से आप घर में ही बचत कर सकती हैं और ये आपकी कमाई है। अगर जो औरतें घर में हैं अपने बच्चों को संभाल रही हैं, सर्विस नहीं कर सकती हैं, कमा नहीं सकती हैं, तो वो अपनी बचत को ही अपनी कमाई समझे। तो आज के वीडियो में इतना ही कहूंगी मैं दोस्तों, और भी आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगे हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाकर, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों ने तो बेल आइकन दबा रखे हैं और वो मेरे वीडियोस को देखते हैं और बहुत सराहते भी हैं मेरी वीडियो को, और जो नए लोग हैं वो भी बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, आपको नई नई वीडियो मिलेंगी और नए नए सुझाव मिलेंगे और नई नई बचत के जो तरीके वो मैं बताऊंगी। तो थैंक यू दोस्तों।